आज पुलिस लाइन परेड ग्राउंड पर वार्षिक पुलिस सम्मेलन का आयोजन किया गया। कृष्णा मुख्य अतिथि के रूप में भोपाल रेंज के आईजी इरशाद अली भी शामिल हुए। उन्होंने परेड का निरीक्षण करने के साथ परेड की सलामी ली। इसके साथ ही पुलिस वाहनों का भी बारीकी से निरीक्षण किया। इसके बाद उन्होंने दरबार लगाया जिसमें पुलिसकर्मियों की विभिन्न समस्याओं को सुना और हल करने के संबंध में दिशा निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि ये एक वार्षिक निरीक्षण है जो विदिशा जिले की पुलिस के साथ सम्मेलन के माध्यम से की गई है। पुलिस क्वार्टर में जल भराव की समस्या का निराकरण करने के बाद भी उन्होंने कही, इस दौरान विदिशा एसपी मोनिका शुक्ला, एसपी समीर यादव, सीएसपी विकास पांडे सहित जिले भर के सभी पुलिस अधिकारी, थाना प्रभारी और पुलिस कर्मी मौजूद थे और उसमें परेड का इंस्पेक्शन किया है और जो अपने स्टाफ है उनके जो भी गुजारिश वगैरह है वो दरबार में का आयोजन किया था यहाँ पे विदिशा पुलिस ने, एसपी मैडम ने। और इसके अतिरिक्त जो है जो एमटी शाखा है और बाकी लाइन है उन चीज़ों का सब चीज़ों का इंस्पेक्शन करके जो बेहतर गुणात्मक उसमें सुधार हो सकता है उसके जो भी सुझाव है वो दे करके उसके बाद। सर पुलिस क्वार्टर तो अच्छे बने हैं और अच्छे ही बने, लेकिन पुलिस की जो रोड है, पुलिस लाइन में जो कर्मचारी रहते हैं या देहात थाने की रोड है, बरसों से ऐसी पड़ी है, पानी भरा जाता है बड़ा। लेकिन रोड्स को और नालियों का जो है वो हम लोग प्रयास करेंगे कि जो भी शासन से जो सुविधाएँ मिल सकती हैं वो सही विभाग से जो रिक्वेस्ट है वो कर करके उनमें सुधार के लिए पूरा प्रयास करेंगे।